परसेंट जॉब आपका, क्योंकि भैया इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स रुकना नहीं चाहते हैं। आया फॉर्म आंख बंद किए भर दिए, तो जाइए भैया भरिए, बाद में झेलिए, ठीक है। 5 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं बेवकूफ की तरह, पागल हैं हाँ, कि थोड़ा सा आप लोग से 5 मिनट का सेशन नहीं देखा जाता है। और बहुत सारे तो कैंडिडेट्स ऐसे भी है ना, जो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिए ना, आप लोग के पास कहाँ से आ गया, लीजिए मेरे पास कहाँ से आ गया, सोचते रहिए मेरे पास कहाँ से आ गया, भरिए जहां पर फॉर्म बनाए, कोई टेंशन नहीं है। जय हिंद साथियों। साथियों आप लोग को बतला दें, अगर आप लोग RRB रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे होंगे, तो आप लोगों के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे होंगे कि ये जो एप्लीकेशन है, ये जो फॉर्म आया हुआ है, इस फॉर्म में आप लोग का कौन से जोन में कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, और उसके साथ साथ साथियों जोन में भी कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, ये इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल पर आप लोगों को शुरू से प्रोवाइड कराते आए हैं, जब से RRB रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म आया हुआ है। तो साथियों अभी के सेशन में हमने आप लोगों को ये बतलाने का कोशिश किया है कि देखिए फिटर, प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर एंड पाइप फिटर के लिए आप लोगों का कौन से जोन में कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, और वो भी कैटेगरी वाइज साथियों। यानी कि अगर आप लोग जनरल से हैं तो जनरल वालों को भी बतलाएंगे, OBC को भी बतलाएंगे, सभी कास्ट का बतलाएंगे, ठीक है। और कितने जोनों में वैकेंसी निकाला गया, तो टोटल आप लोगों को 15 जोनों में साथियों वैकेंसी निकाला गया है, जो कि RRB टेक्नीशियन के द्वारा, रेलवे के द्वारा टोटल 21 जोनों में आप लोग का वैकेंसी निकाला गया है। मगर उसमें भी 6 जोन में आप लोग का यहाँ पर प्लम्बर के लिए वैकेंसी जो है नहीं निकाला गया है। तो ज्यादातर ये जो क्लास है, ये क्लास ज्यादातर प्लम्बर वाले के लिए ही है, बट प्लम्बर के लिए स्पेशली कोई ऐसा नहीं निकाला गया है ना, कि मतलब स्पेशली प्लम्बर वाले के लिए ये पोस्ट कोड है और वो सिर्फ प्लम्बर वाले भर सकते हैं, वहां पर मिक्स करके वैकेंसी निकाला गया। कौन कौन भर सकते हैं? फिटर, प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर एंड पाइप फिटर वाले इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों अभी का सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों से एक बात बतला दें, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर नाराज होंगे कि ये जो फिल है, मैंने जनरल जैसे लिख तो दिया है, मगर यहाँ पर हमने फिल नहीं किया है कि कौन से, जैसे मान लीजिए चेन्नई के लिए जनरल के लिए कितना सीट है, मैंने लिखा नहीं है। तो मैंने क्यों नहीं लिखा, सबसे बड़ा रीजन जानिए। देखिए साथियों आप लोग को स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा, ये जो है आप लोग का एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, जो मैं वीडियो डालता हूँ लगभग 10 से 15 मिनट का सेशन जो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराता हूँ, उन सभी सेशन में मैंने पहले से लिख करके रखा हुआ था। तो कैंडिडेट्स कर क्या रहे हैं कि वीडियो को ओपन कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, चले जा रहे हैं। भाई तो हम जो हैं एक वीडियो अपलोड करने में आप लोगों के लिए 5 से 6 घंटे टाइम लगा रहे हैं, मतलब हम बेवकूफ हैं कि आप लोगों के लिए इतना सारा हम डिटेल्स लिख रहे हैं और आप लोग आए सिर्फ स्क्रीनशॉट लिए और चल गए, मतलब हमारा मेहनत का क्या। हाँ तो इसीलिए हम नहीं लिखे हैं। जो भी कैंडिडेट्स अगर जेन्युइनली जानकारी जानना चाहते हैं, सही जानकारी जानना चाहते हैं, जिनको जो चाहते हैं कि मेरा जॉब हो पाए, उन्हीं के लिए ये सेशन होने वाला है। तो भैया अगर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है तो सेशन को देखिए, नहीं है तो मत देखिए, जा सकते हैं, यहां से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए तो साथियों जो भी छात्र अभी हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं, उनको जो है हम टोटल जानकारी देंगे, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा साथियों। चलिए सबसे पहले आप लोग को बतला दें साथियों, चेन्नई देखिए, तो चेन्नई में जो है कितने सीटों पर जनरल के लिए वैकेंसी निकाला गया है, तो देखिए साथियों चेन्नई में आप लोगों का 70 सीटों पर जनरल के लिए वैकेंसी है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए 43 सीटों पर वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 19 सीटों पर वैकेंसी है। एससी के लिए बात करें साथियों तो 29 सीटों पर वैकेंसी है। एसटी के लिए अगर बात करें साथियों तो 17 सीटों पर वैकेंसी है, और टोटल अगर यहां पर अगर आप लोग जुड़िएगा तो 178 सीटों पर आप लोग का जो है चेन्नई में वैकेंसी आप लोग का निकाला गया है, ठीक है। चलिए आगे देखें जम्मू श्रीनगर में बात करें साथियों तो 55 सीटों पर आप लोग का जो है यहाँ पर जनरल के लिए है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए 36 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 13 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, और यहीं पर साथियों एससी एसटी के लिए 20 सीटों पर और फिर 10 सीटों पर वैकेंसी जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए निकाला गया है। टोटल अगर बात करें तो 134 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी जो है जम्मू श्रीनगर में निकाला गया है, ठीक है। आप लोग को बतला दिए पोस्ट कोड नंबर 4 है, आप लोग अपना ट्रेड देख सकते हैं, इन सभी ट्रेड के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए साथियों आप लोग से आशा करेंगे कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब का अपडेट्स बतलाते हैं, और जितने भी बदलाव किए जाते हैं आयोग के द्वारा, सारे बदलाव आप लोगों को हम प्रोवाइड कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से।
चलिए साथियों आगे बात करते हैं सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद में 39 सीटों पर वैकेंसी जनरल के लिए निकाला गया है। ओबीसी की बात करें साथियों तो ओबीसी के लिए 18 सीटों पर वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 सीटों पर वैकेंसी है, और एससी और एसटी के लिए बात करें साथियों तो 8 और 4 सीटों पर एससी एसटी के लिए वैकेंसी है। टोटल अगर बात करें ना साथियों तो 83 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी यहां पर सिकंदराबाद में निकाली गई है। आगे बात करें अगर 37 सीटों पर अहमदाबाद में वैकेंसी निकाला गया है, 14 सीटों पर सॉरी एससी के लिए वो है, ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी का साथियों 24 सीटों पर वैकेंसी है, ठीक है 24 सीटों पर वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीटों पर वैकेंसी है, फिर 14 और 6 सीटों पर आप लोग का एससी एंड एसटी के लिए। टोटल अगर साथियों बात करेगा तो 90 सीटों पर आप लोग का यहां पर वैकेंसी जो है ये निकाला गया है आप लोगों का अहमदाबाद में, ठीक है। आप लोग का ट्रेड हम बतला दिए ना, पोस्ट कोड नंबर भी बतला दिया, आप लोग डाल करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे अगर साथियों बात करें चौथे नंबर पर कौन सा जोन आता है, तो भैया गुवाहाटी आती है। तो अगर हम लोग गुवाहाटी की बात करें तो देखिए 28 सीटों पर वैकेंसी आप लोग का गुवाहाटी में निकाला गया जनरल के लिए, 17 सीटों पर ओबीसी के लिए, 6 सीटों पर आप लोग का ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, और यहां पर 10 और 5 सीटों पर आप लोग का एससी एसटी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल साथियों 66 सीटों पर यहां पर वैकेंसी निकाला गया आप लोग का गुवाहाटी में। जो भी छात्र अभी तक हमारे वीडियो में बने हैं उनसे आग्रह है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, क्योंकि हम इसको अभी हटाने वाले हैं, हटाएंगे फिर आगे आप लोग को 5 ट्रेड बतलाएंगे। चलिए जल्द फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। चलिए साथियों आगे अभी स्टार्ट करते हैं, इसको सबसे पहले हटला दें। जो भी कैंडिडेट से ज्यादा यहां पर जो है चालाकी दिखा रहे होंगे कि हमें भैया लास्ट में जाना है और नहीं देखना है, मत देखिए भैया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम आप लोग से अब देखिए विनती करते करते थक चुके हैं भैया, आप लोग नहीं मान रहे हैं, तो भैया आप लोग की मर्जी, इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वीडियो में रुकिए। 5 से 6 साल तैयारी कर रहे हैं, यहां पर 5 मिनट का सेशन में आप लोग को टाइम नहीं मिलता है। आप लोग को है, हम वीडियो ओपन के स्क्रीनशॉट लिए निकल गए, मतलब भैया हम इतने बेवकूफ हैं, हम लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, एक एक सेशन के पीछे आप लोग का 5 से 6 घंटा टाइम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ताकि आप लोग को जानकारी दे पाए, जिस तरह से आप लोगों के लिए आपका लक्ष्य है अपना जॉब प्राप्त करना, ठीक उसी तरह से हमारा भी लक्ष्य है कि हम अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर पाए, आगे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। तो भैया आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने दीजिए। चलिए भैया आगे अब आप लोग को बतला दे 6 नंबर पर रांची। रांची की अगर बात करें तो जनरल कर दिए साथियों 25 सीटों पर वैकेंसी यहां पर निकाली गई है, ठीक है। ओबीसी की अगर बात करें साथियों तो 28 सीटों पर यहां पर वैकेंसी रांची में निकाली गई है, ठीक है 28 सीटों में। 10 सीटों पर आप लोग का ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एंड एसटी के बचा तो भैया 16 और फिर 7 सीटों पर आप लोग का यहां पर टोटल रांची में वैकेंसी निकाली गई है साथियों, ठीक है। अब यहीं पर अगर टोटल बात करिएगा आप लोग तो 86 सीटों पर, ठीक है ध्यान रखिएगा साथियों 86 सीटों पर टोटल वैकेंसी आप लोग का रांची में निकाला गया है। चलिए मुंबई की बात करते हैं, मुंबई में 22 सीटों पर वैकेंसी जनरल के लिए, ठीक है। ओबीसी के लिए अगर बात करें तो ओबीसी के लिए साथियों 23 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीटों पर, एससी के लिए जो है एससी के लिए साथियों 3 सीटों पर, और फिर एसटी के लिए 2 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल अगर आप लोग काउंट करिएगा तो भैया यहां पर टोटल 57 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी मुंबई में निकाला गया है। चलिए आगे मुजफ्फरपुर में अगर बात करें, मुजफ्फरपुर की अगर बात कर सकते तो 21 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। यहां पर एससी के लिए सॉरी एससी के लिए नहीं, देखिए ओबीसी के लिए 23 सीटों पर वैकेंसी, ठीक है। कौन सा है? मुजफ्फरपुर जोन है ना, मुजफ्फरपुर, देखिए मुजफ्फरपुर में नहीं, तीन सीटों मुजफ्फरपुर में आप लोग का 3 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सॉरी इसके लिए हम सभी मिस्टेक हुआ है। देखिए मुजफ्फरपुर में 21 सीटों पर आप लोग का हो गया जनरल के लिए, 3 सीटों पर ओबीसी के लिए, 3 सीटों पर ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, फिर एससी के लिए जो है 2 सीटों पर, एसटी के लिए 5 सीटों पर जो है यहां पर मुजफ्फरपुर में वैकेंसी टोटल आप लोग की कितनी हो गई तो काउंट करिएगा तो 34 आप लोग की टोटल मुजफ्फरपुर में वैकेंसी हो गई साथियों। चलिए अब आगे बात करते हैं साथियों तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम की अगर बात बतला दें तो आप लोग का 18 सीटों पर जनरल के लिए, ठीक है, ओबीसी के लिए 9 सीटों पर, एसटी के लिए सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीटों पर, एससी और एसटी के लिए 18 और फिर 19 सीटों पर वैकेंसी आप लोग की टोटल तिरुवनंतपुरम में कितनी हो गई। टोटल अगर आप लोग काउंट करिएगा तो काउंट करने के बाद 69 सीटों पर आप लोग का तिरुवनंतपुरम में वैकेंसी हो गया साथियों। चलिए अब साथियों बसता है हम लोग का अजमेर। अजमेर की अगर बात करें तो 11 सीटों पर आप लोग का जनरल के लिए वैकेंसी निकाला गया है।
उसके बाद 5 सीटों पर आप लोग का ओबीसी के लिए, फिर उसके बाद साथियों 2 सीटों पर आप लोग का जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, उसके बाद 2 सीटों पर आप लोग का एससी के लिए, 2 सीटों पर एसटी के लिए वैकेंसी निकाली गई। टोटल अगर काउंट करिएगा ना साथियों तो यहाँ पर 22 सीटों पर आप लोग का जो है टोटल वैकेंसी अजमेर में निकाला गया है। साथियों आप लोग से आग्रह है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी जितने भी कैंडिडेट सभी सेशन को वॉच कर रहे हैं आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं साथियों, यहां तक हो गया आप लोग का अजमेर तक खत्म, ठीक है अजमेर तक कंप्लीट हो गया, पहले गुवाहाटी हुआ था अब अजमेर हो गया। अब चलिए इसके बाद आप लोग को बतलाने की जानकारी दिया जाएगा। चलिए साथियों अब यहां पर अगर बात करें आप लोग की सिल्लीगुड़ी, तो सिल्लीगुड़ी में 10 सीटों पर आप लोग का जनरल के लिए वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो देखिए 6 सीटों पर आप लोग का ओबीसी के लिए, 3 सीटों पर ईडब्ल्यूएस के लिए, फिर उसके बाद 4 सीटों पर जो है 4 सीटों पर आप लोग का एससी के लिए, एसटी के लिए 2 सीटों पर वैकेंसी टोटल निकाली गई है। टोटल काउंट करिएगा आप लोग तो 25 सीटों पर वैकेंसी आप लोग का टोटल यहाँ पर निकाला गया है भैया। कहाँ पर? तो भैया सिल्लीगुड़ी में, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग का, ठीक है। किसमें? तो सिल्लीगुड़ी में आप लोग का। चलिए अब आगे साथियों अगर बात करते हैं, सिल्लीगुड़ी हो गया, अब आगे बात करते हैं बैंगलोर, ठीक है। अरे 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 भर तक यहाँ पर प्रॉब्लम, हम बोल रहे हैं कि 14 ही जोन है, देखिए हम बेंगलोर 2 बार लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। बेंगलोर जो है हमने 2 बार लिख दिया, तो दोनों का एक ही इन्फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। 14 टोटल आप लोग का यहाँ पर 14 जोनों में वैकेंसी निकाला गया है। बेंगलोर जो है, एक बेंगलोर यहाँ पर एक्स्ट्रा हमसे लिखा गया, ठीक है। टोटल आप लोग का 14 जोन है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए ये हो गया आप लोग का सिल्लीगुड़ी, अब आइए बेंगलोर। बेंगलोर में बात करें साथियों तो 5 सीटों पर आप लोग का जो है जनरल के लिए वैकेंसी निकाला गया है, 3 सीटों पर आप लोग का ओबीसी के लिए निकाला गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटों पर वैकेंसी है, फिर एससी के लिए 2 सीटों पर, एसटी के लिए 2 सीटों पर वैकेंसी टोटल निकाली गई है। टोटल अगर बात करें तो 14 सीटों पर आप लोग का यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है, बेंगलोर का हो गया साथियों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों भुवनेश्वर। चलिए भुवनेश्वर अब आप लोग को थोड़ा घुमा दे भैया, अच्छा खासा जगह है यहाँ पर, मगर जगह तो बहुत खूबसूरत है, मगर सीट अगर देखिएगा ना भाई तो सीट के लिए रुला देगा भुवनेश्वर। चलिए नहीं है, जनरल के लिए सीट नहीं है, ओबीसी के लिए नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, एससी एसटी के लिए भी नहीं है, यहाँ पर भुवनेश्वर में सिर्फ 1 सीट पर वैकेंसी निकाला गया है। चलिए गोरखपुर, जनरल के लिए सीट नहीं है साथियों, ठीक है। ओबीसी के लिए 2 सीटों पर, एससी ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटों पर, एससी एंड एसटी के लिए 2 और 1 सीटों पर टोटल वैकेंसी निकाला गया है। टोटल अगर काउंट करिएगा तो 8 सीटों पर आप लोग का यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। चलिए साथियों ये हो गया आप लोग का 14 जोन का। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, अगर चेन्नई में टोटल अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पर कि जैसे इन सभी ट्रेड के लिए, फिटर प्लम्बर कारपेंटर वेल्डर एंड पाइप फिटर के लिए पोस्ट कोड नंबर जो 4 है, इसमें आप लोग का टोटल जनरल के लिए जो है साथियों, टोटल जनरल के लिए समझिएगा 341 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, टोटल जनरल के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जनरल के लिए। उसके बाद साथियों बात करें अगर ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए अगर आप लोग को बतला दे तो साथियों टोटल 217 सीटों पर वैकेंसी यहां पर हो गया ओबीसी के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए, ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पर टोटल साथियों 97 सीटों पर वैकेंसी हो गया। एससी के लिए अगर बात करें साथियों, तो एससी के लिए अगर आप लोग को बतला दे तो 130 सीटों पर वैकेंसी हो गया। एंड यहीं पर बात कर साथियों लास्ट आप लोग का जो है कैटेगरी एसटी के लिए, तो एसटी के लिए 82 सीटों पर जो है आप लोग का वैकेंसी टोटल निकल करके आया हुआ है। ये आप लोग अगर टोटल साथियों काउंट करिएगा तो टोटल आप लोग को 868 सीटों पर जो है आप लोग का टोटल पोस्ट कोड नंबर 4 के लिए वैकेंसी निकाली गई है। चलिए साथियों ये हो गया आप लोग का जानकारी, जो कि बहुत सारे छात्र के द्वारा, बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा मैसेज आ रहा था कई दिनों से कि सर हमें बतलाइए कि प्लम्बर के लिए कौन सा है, प्लम्बर के लिए हम कहां पर भरें। तो भैया अब आप लोगों के लिए जहां पर भी जिस भी कैटेगरी से अगर आप लोग हो, जनरल से हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यू से हो, एससी से हो, एसटी से हो, जिस भी कैटेगरी से आप लोग हो, आप लोग अपने कैटेगरी में जहां पर ज्यादा आप लोग का पोस्ट प्रेफरेंस दिखे वहीं पर आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिए। आप लोग का 100% है कि यहां पर साथियों अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं अपने कैटेगरी को देखते हुए, तो आप लोग को बस एक ही बात बोलेंगे, आप लोग को फॉर्म भरते वक्त 50% जॉब आपका, क्योंकि भैया इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स रुकना नहीं चाहते हैं। आया फॉर्म आंख बंद किए भर दिए, तो जाइए भैया भरिए, बाद में झेलिए, ठीक है। 5 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं बेवकूफ की तरह, पागल हैं कि थोड़ा सा आप लोग से 5 मिनट का सेशन नहीं देखा जाता है। और बहुत सारे तो कैंडिडेट्स ऐसे भी है ना जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिए ना, आप लोग के पास कहां से आ गया, लीजिए मेरे पास कहां से आ गया,
सोचते रहिए मेरे पास कहां से आ गया, भरिए जहां पर फॉर्म भरना है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग को हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होंगी तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। साथियों वीडियो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास, कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट करते रहिएगा। आप लोग को इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट करते रहिए, आप लोग को कमेंट की रिप्लाई जरूर देंगे। साथियों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।